सो फ्रेंड्स, वी आर एट फाइनली आ सादिक डेयरी फार्म। ठीक है, थोड़ा पोस्टर दिखा देते हैं ना। तो ये रहा सादिक डेयरी फार्म, काफ़ी लेट आए लेकिन आए तो। और ये गेट है कुछ, तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। मेरे इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आ चुके हैं हम लोग एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। पीछे देख रहे हो भाई, ये है सादिक डेयरी फार्म। ठीक है, और अभी हम आ चुके हैं सादिक डेयरी फार्म, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है आप लोग देख लो, येलो और ब्लू। ठीक है ना, मतलब पीला और नीला, समझ सकते हो? हम लोग लाल पीला देखे और ये है पीला और नीला, समझ रहे हो? तो आ चुके हैं हम लोग सादिक डेयरी फार्म में, और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ 3 बेस्ट बाछी काउ इन सादिक डेयरी फार्म फॉर 2023 कलेक्शन। ठीक है, अच्छा, सादिक डेयरी फार्म का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, ये है सादिक डेयरी फार्म का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भाई साहब। ठीक है, और फार्म देख रहे हो, मतलब अल्टीमेट है। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम जानवर निकालेंगे घुमा करके, मतलब ब्यूटी पॉइंट्स के साथ अपने एंगल में दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग देख चुके हो तो भाई वापस देख लो मेरे चैनल में मेरे तरीके से, और अगर नहीं देखे हो तो आओ देख लो, आप लोग को और अच्छा लगेगा क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ अल्टीमेट लेवल में, समझ रहे हो? तो आओ चलते हैं, पहले जानवर की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों को पहला बाछी जानवर निकालते हैं। और सुनो, वीडियो देख रहे हो, लाइक मार दो भाई, लाइक तो मार ही सकते हो भाई, लाइक मारो यार, मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक आपका मुझे मोटिवेट करता है, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना मुझे मोटिवेट करेगा हर एक वीडियो लाने में। ठीक है, तो लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं। तो आज नया फार्म का वीडियो है तो लाइक जरूर कर देना। चलो पहले जानवर की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सादिक डेयरी फार्म। माशाल्लाह, पहला बाछी आप सबके सामने मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, और आप लोग इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊंगा, ब्यूटी पॉइंट्स दिखाऊंगा, एंड फिर सिनेमैटिक शॉट्स आप लोगों को मिलेंगे इसके। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को वहाँ पर इसे निकाल के दिखाता हूँ। मैदान देख रहे हो भाई, ओहो कलर कॉम्बिनेशन देखो इसका, माशाल्लाह बेहतरीन। तो चलो पहला जानवर आ रहा है आप सबके सामने, माशाल्लाह ये देखो, ओहो बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत उमदा। ठीक है, तो पहला जानवर आप सबके सामने ये बाछी मौजूद है, बहुत भारी बाछी है। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इसका फ्रेम कैसा है आखिरकार, हिलेगा मत। तो दोस्तों पहला बाछी आप सबके सामने मौजूद है, जैसे आप लोग खड़ा देख सकते हैं। ये जानवर का सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी है, जानवर का झालर देखो सबसे पहले। ठीक है, ऐसा झलाइए ऐसा ऊपर से, हाँ ये देखो माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये पहला नंबर बाछी जानवर है। ठीक है, और ओवरऑल मैं इसका सबसे पहली अच्छी चीज़ जो ये बताऊँ कि ये बहुत भारी है सबसे पहली बार। ठीक है, मैं एक बार राउंड रोटेशन दिखाता हूँ आप लोगों को ये जानवर का, ये देखो मतलब पीछे से जो भारीपन है वो साफ झलक रहा है आप लोगों को। हो अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद रहते ना तो आपको पता चलता कि जानवर का जो भारीपन है बहुत हेवी है। ठीक है, और पीठ स्ट्रेट है वो काफ़ी अच्छी बात है, पीठ स्ट्रेट होना जानवर में वो काफ़ी अच्छी बात होती है। और हाइट देखो यार, मतलब माशाल्लाह बेहतरीन, भाई का सर का भी ऊपर है। ठीक है, और मेरे सर के भी ऊपर है भाई, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है वो बहुत ही बड़ा बाछी जानवर है, हर तरफ से भरा हुआ बना हुआ है। ठीक है, जानवर होता है ना अभी बनने में टाइम लगता है, लेकिन अभी ही बना हुआ है, लो 5 महीना 6 महीने में वो आतंक हो जाएगा। आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन आतंक हो जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बेहतरीन बाछी जानवर है। ठीक है, और इसका मैं आप लोग को एक राउंड रोटेशन दिखाता हूँ कि ये आखिरकार है कैसा। ठीक है, तो ये देखो फुल पीछे से आप लोगों को कुछ ऐसा फ्रेम दिख रहा है, माशाल्लाह से हर तरफ से भरा हुआ है और गोल मटोले, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। ठीक है, पीछे का कुछ फ्रेम ऐसा है। ठीक है, गुलाई वगैरह चेक करो, और पीठ की चौड़ाई सबसे बेहतरीन चीज़, पीठ की चौड़ाई। ठीक है, वो पीठ की चौड़ाई है दोस्तों 3 हाथ, लिटरली हाँ बता रहा हूँ 3 हाथ है, क्योंकि उसका जो हड्डी चौड़ाई है उसका ना वो काफ़ी मतलब के चौड़ा है, 3 हाथ है। और जब जानवर भरा है तो काफ़ी अल्टीमेट लग रहा है, गोल मटोल भारी लग रहा है। ठीक है, तो यही मैं बताता हूँ कि अगर आप लोग जानवर लेते हो तो अगर चौड़ा बोन का लेते हो ना, तब जब यह जानवर बनता है भरता है इसमें मांस भारीपन, तो गोल मटोल निखर के आता है, भारी आता है। सामने का जो है ये आप लोग एक बार सलामी पे गौर करो माशाल्लाह से, और ओवरऑल इसका ब्यूटी देखो सामने का फेस का। ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन जानवर, बहुत ही उमदा लग रहा है। ठीक है ना, पहला नंबर बाछी जानवर आप सबके सामने जो है मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिला। थोड़ा घुमाइए भैया, तो अब इसको थोड़ा घुमाते हैं एंड फिर आप लोगों को जो है सिनेमैटिक शॉट्स भी देने की कोशिश। पीठ की चौड़ाई देख रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आप लोग थोड़ा घुमा करके दिखाते हैं, ओहो बड़ा चंचल है,
ठीक है। तो जानवर आप लोग देखो माशाल्लाह से जब ये घूम रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। हेंस बिकॉज अच्छा है, एक्टिव है, जवान है, और एक्टिव के साथ साथ इसमें भारीपन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों को घुमा करके दिखा रहे हैं, हाँ, अब यहाँ से घुमा करके सीधा लेके आइएगा भैया, ठीक है, ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि आखिरकार ये है कैसा। आइए आइए, हाँ, तो ये भाई पहला नंबर बाछी जानवर है, घुमाइए वहाँ से घुमाइए। ओहो, भारी भारीपन, भारीपन भाई, मतलब ओह वाह वाह माशाल्लाह, जब चल रहा है ना दोस्तों, मतलब क्या ही लग रहा है, अल्टीमेट लग रहा है, ठीक है। फेस का आप लोग एक बार पोर्शन देखो माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये पहला नंबर मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, ठीक है, देख रहे हो फुल फ्रेम में जब लग रहा है खड़ा हो करके, पीछे का जो बैकग्राउंड के साथ, तो क्या ही लग रहा है ना। तो ये आप लोग देख चुके हो, ये जगह का पोर्शन जो है ना वो बहुत ही भारी है, आप लोगों को लिटरली समझ में अभी नहीं आ पा रहा होगा वीडियो में, लेकिन जब यहाँ रहते ना तो समझ में आता आप लोगों को कि ये जो जानवर है वो किस लेवल का है भारीपन में, ठीक है। तो ये हो चुका है, अब इसका थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए, और once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I नंबर बाछी जानवर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा ये फ्रेम में था, माशाल्लाह से बेहतरीन लग रहा था, पीछे का पोर्शन काफी ज्यादा भारी था, चौड़ा फ्रेम का था, लेंथ में भी एंड विथ में भी, ठीक है, मतलब विथ और लेंथ काफी ज्यादा था इसका, ठीक है। तो ये हो चुका है पहला नंबर, दूसरे नंबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि होने वाला है, दिखाता हूं, ये है मुंडी भाई, मतलब इसका सीना और इसका बॉडी का जो भारीपन है वो दिखाते हैं बाहर निकाल के, तो चलो। तो भाई लोग पहला बाछी दिखा चुका हूँ, अब दूसरे मुंडी की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा मुंडी गाय आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जानवर देखो, लाइक जरूर करो। आह आह वाह, पाकिस्तान का फील आ रहा है यार, चले चले, मतलब जब खड़ा होकर के था ना, जब सर ऊंचा करके, क्या ही लग रहा था, गोल मटोल भारी जानवर की जो तुलना है ना, वो माशाल्लाह जरूर कहना, वो किसी से नहीं की जा सकती, हेंस बिकॉज उसका जो मुंडी का खूबसूरती होता है ना, वो काफ़ी अल्टीमेट होता है, ठीक है। अभी आपको मैं इस मुंडी का जो है दिखाता हूँ, सबसे बेहतरीन जानवर है, बहुत बेहतरीन है, दूसरा मुंडी जानवर जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो अब इसे खड़ा करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, अब इसको खड़ा किए ऐसी, हाँ ऐसी रखिएगा, हाँ। तो दोस्तों दूसरा जो जानवर है वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है। ये जानवर की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो काफ़ी जो है गोल मटोल है, जैसे मैं आप लोगों को अगर कैमरा मूव करके पीछे से दिखाऊं, ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ फ्रेम में दिख रहा है जानवर, ठीक है, गोल मटोल काफ़ी ज़्यादा है, भैया का हाइट से आप लोग इसका हाइट अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस अच्छा है क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इसका ओवरऑल सबसे पहली चीज़ झालर पर गौर करो, माशाल्लाह ये देखो, मतलब ये जब झालर मैं इसे सहला रहा हूँ ना, तो मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये झालर भी है, काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देख ही सकते हो स्किन का क्वालिटी की तरफ गौर करो आप लोग, माशाल्लाह बेहतरीन, सामने से जो लटका हुआ है और सीना का जो बनावट है वो काफ़ी बेहतरीन है, सीना का बनावट ऐसा ही होना चाहिए, एकदम ऐसा निकला हुआ, और पीछे से जब नीचे गिरता है और उसके बाद जब ये आता है ना फील हुंडी में, वो भाई अल्टीमेट है। शक्ल की तरफ एक बार गौर करो माशाल्लाह से, ठीक है,
और कुछ फ्रेम में बॉडी का आप लोगों को ये लग रहा है। अब भैया इसे चलाते हैं और इसका आप लोग एक चलन देखो माशाल्लाह। सर ऊंचा करके भैया हल्का सा चलाइएगा इसे ताकि लोगों को जो है समझ में आए कि इसका जो बॉडी का फ्रेम है वो कैसा है। आइए वहां से, वाह अचानक से ले रहा है लोग, ये देखो माशाल्लाह। अब आइए लेके आइए वहां से घुमाइए, माशाल्लाह बेहतरीन। ये देखो माशाल्लाह यार, ओह ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी देखो, जब जानवर उछल रहा है खेल रहा है ना, ब्यूटी देखो इसका। देख रहे हो मतलब बहुत अच्छा लग रहा भाई। बगल ले, बगल ले, बगल ले। आहा माशाल्लाह। ठीक है तो अब इसका आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो दोस्तों। ठीक है आप लोग देख चुके हो थोड़ा चलने के बाद भी, झालर की तरफ भी आप लोग गौर कर चुके हो, अब आप लोग इसका सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। माशाल्लाह से जानवर जो है वो मुंडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बेचारे को। बहुत ही अच्छा लग रहा था बैक पोजीशन से भी, भारीपन में भी। ठीक है मुंडी है ना भाई, खूबसूरती तो झलकेगी इसका साफ, और सीना भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था माशाल्लाह से इसका। तो ये अभी मैं आप लोगों को दूसरा जानवर दिखा चुका हूँ जो कि मुंडी था। ठीक है अब मैं आप लोगों को थर्ड दिखाऊंगा जो जब आएगा ये। ठीक है तो ये काफ़ी बेहतरीन था, बहुत ही उमदा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है फेस ब्यूटी के साथ झालर था। ठीक है तो ये दूसरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ब्लॉगिंग के साथ भी, सिनेमाटोग्राफी के साथ भी। ठीक है आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो। भाई अब मैं आप लोगों को थर्ड नंबर दिखा रहा हूँ जो कि ये है, और इसे मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाता हूँ ब्यूटी पॉइंट्स के साथ भी, और इसका खूबसूरती क्या है वो भी मैं आप लोगों को साफ दिखाता हूँ। तो पहला दूसरा दिखा देते जिसमें से दूसरा मुंडी था, और अभी थर्ड ही आप लोगों को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो चलो माशाल्लाह ये एक्टिव है भाई, ये भाई मज़ेदार होगा, आने दो। बहुत भारी के साथ जवान का है ना असल में, तो ये तो हो गई है ना। ए, ए, अभी से ऐसा कर बात माशी। हाँ ये खेलने मांग रहा असल में। हाँ अभी से खड़ा रखिए भैया, अभी इसको मैं छोड़ दूंगा ना तो बहुत खेलेगा। ठीक है और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को, स्किन का क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन काफ़ी अच्छा हो रहा है सादिक डेयरी फार्म में। तो झालर के ऊपर सबसे पहले गौर करो, ठीक है स्टैंडिंग पोजीशन है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा झालर मुझे लग रहा है। और सलामी के ऊपर गौर करोगे तो काफ़ी अच्छा बनावट है सलामी का, ठीक है बेहतरीन, हेंस बिकॉज उसका जो सलामी का जो पीक है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है देख ही सकते हो आप लोग, सामने से आप लोगों को दिखता ही होगा सलामी का पीक काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट व्यू से जानवर का कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्किन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कलर की बात करूँ फुल वाइट, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है एक्टिव है जानवर, बाछी है,
बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाइट देखो, हाइट भैया का जो है सर के भी पार जा रहा है, ठीक है ना, मतलब मेरे हाइट के थोड़ा सा ऊपर समझो बस, हाँ। और 5'9" अगर सर ऊँचा करता हूँ, और पीछे से कुछ ऐसा व्यू है, ठीक है। अरे 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 भाई बहुत एक्टिव है, पूरा मतलब गमला उड़ा दिया है भाई, बहुत एक्टिव है भाई, बहुत एक्टिव है। लिटरली अरे वाह वाह, मतलब भाई सादिक डेयरी फार्म का क्वालिटी को सही में बोलना पड़ेगा भाई, क्या ही रखा है देख रहे हो, वाह वाह अब इसे सामने खड़ा रखिए एकदम, इसे सामने खड़ा, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसका थोड़ा बैक पोर्शन देखो, ठीक है। अरे इतना घूम रहा भाई, थक जा रहे नहीं है, थोड़ा रुक जा भाई, तुम्हारा बैक पोर्शन मैं दिखा दूँ, उसके बाद तुम जितना घूमना चाहते हो घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो ये देखो कुछ बैक का पोर्शन, माशाल्लाह, ठीक है। तो कुछ बैक पोर्शन से ऐसा है, जवान गाय मतलब बहुत एक्टिव, हर तरफ से भरा हुआ, ऐसा जानवर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है भाई, जो इतना ज़्यादा एक्टिव हो, उछल उछल के खेल रहा है, माशाल्लाह, जवान गाय बाछी, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स दूंगा, लेकिन सलामी के साथ बनावट जानवर की साफ झलक रही है आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर दो। पीछे का कुछ फ्रेम ऐसा है माशाल्लाह से ये जानवर का, और फुल फ्रेम में ये आप लोगों को जानवर दिख रहा है, ठीक है, सादिक डेयरी फार्म क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। तो भैया हल्का सिनेमैटिक शॉट्स मैं दिखा देता हूँ, और इस जानवर को आप अंदर ले जाइएगा, सिनेमैटिक शॉट्स इंजॉय करो। बाछी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव, अल्टीमेट, सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जाने मांग रहा भाई बहुत ज़्यादा, जानवर अपना जब जगह पकड़ लेता है ना, तो कभी भी कहीं से वहाँ से जाने नहीं मांगता है, ठीक है। तो भाई ये गोरू चले गया, चलो थर्ड भी दिखा चुका हूँ, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, तो मेरा पसीना छूट गया भाई, भैया लोग का कितना हुआ होगा, बट थक गए का, हालत ख़राब हो गया, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसा मत सोचना भाई कि अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ता हूँ, हर तरफ से अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थ्रू व्लॉगिंग, थ्रू सिनेमाटोग्राफी भी, ताकि आप लोग बोर नहीं हो, ठीक है। तो ये था सादिक डेयरी फार्म का फर्स्ट पार्ट, अदर पार्ट्स आएंगे, आई होप आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट है अच्छा लगा होगा,
तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, इतना मेहनत है, लाइक तो कर दो यार, लाइक मारो, शेयर करो दोस्तों में। भाई साडिक डेयरी फार्म नया फार्म ग्वालवाड़ी में, नंबर ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ये था फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 3 जानवर दिखाए हैं, जिसमें से एक मुंडी था और 2 बाछी था। टिल देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, घर में रहें एंड सेफ रहें, शुक्रिया। तो दोस्तों साडिक डेयरी फार्म का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होने वाला है 1 जनवरी को, मतलब 2023 का 1 जनवरी को होने वाला है ओपनिंग सेरेमनी खटाल का। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, शामिल होइएगा इस ओपनिंग सेरेमनी में 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक के। तो आप लोग आ करके खुद जानवरों को देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा उस दिन। तो मिलते हैं 1 जनवरी 2023 को साडिक डेयरी फार्म में।